जैसा कि मंजूर साहब ने बताया, आज कश्मीर के जवाहर नगर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ऑफिस में एक सेलिब्रेशन हो रहा है, जिसका मकसद विलय दिवस एक्सेशन डे 26 अक्टूबर है। हम सब जानते हैं 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत का विलय इलाक भारत के साथ हुआ था। तब के महाराजा स्वर्गीय हरि सिंह जी, जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर का फैसला, इस जम्मू कश्मीर का भविष्य भारत का एक अटूट अंग होने में देखा था, और आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, ये केवल और केवल उस फैसले के कारण, जो फैसला 26 अक्टूबर 1947 को हुआ। हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर की तारीख, हम सब समझते हैं, और विशेषकर जिस जगह पर हम बैठे हैं कश्मीर में, श्रीनगर में, यहाँ का हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर बुजुर्ग जम्मू कश्मीर की तारीख से वाकिफ है। हमारे दुश्मन देश, पड़ोसी देश ने कोई कमी नहीं रखी। 1947 में इस जम्मू कश्मीर पे बुरी नजर रख के यहां पे कबाइली हमला किया था। हम सल्यूट करते हैं आज के दिन शहीद मकबूल शेरवानी को, जिसने अकेले उनके छक्के छुड़ाए। इसके बाद भी 1965, 1971, 1999 तीन बार इस दुश्मन देश ने दोबारा से इस जम्मू कश्मीर पे बुरी नजर रखी, लेकिन हमारी सरकारों ने, उनकी इच्छा शक्ति ने और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम ने उनके छक्के छुड़ाए। एक बार पाकिस्तानी सेना घुटनों के बल झुक के सरेंडर भी कर चुकी है, और जब उन्हें लगा कि प्रत्यक्ष युद्ध में, डायरेक्ट कन्वेंशनल वार में, वो भारत के सामने नहीं टिक सकते, तो उन्होंने एक परोक्ष युद्ध पिछले 32 वर्षों से यहां पे छेड़ रखा है, जिसमें कुछ ऐसे अंसर, ऐसा एलिमेंट जो एक प्रायोजित कार्यक्रम यहां पे चलाता है। लेकिन आज हमें ये कहने में बड़ी खुशी होती है कि ऐसे अंसर को, ऐसे प्रायोजित कार्यक्रम को, जिस प्रकार से यहां की सरकार ने, यहां की सेना ने, यहां की पुलिस ने शिकंजा कसा है, लगभग आज कश्मीर का हर व्यक्ति इस इंतजार में है कि कब वो आखिरी अंसर, वो आखिरी तत्व, वो आखिरी एलिमेंट जिसको भारतीय सेना या भारतीय पुलिस जिस स्पीड से यहां पे काम कर रही है, उसको भी रूट आउट कर दे, अपरूट कर दे। साथियों, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, करते हैं जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर की एकता, अखंडता और इसकी तरक्की के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। उसी की कड़ी में आज श्रीनगर के इस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम, जिसमें आप सब लोग यहाँ पे आमंत्रित थे, हम आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर की समस्त जनता को मुबारकबाद देना चाहेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत ही विशेष, बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए।
मुबारकबाद देते हैं आपके माध्यम से और उम्मीद रखते हैं कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने, जिस प्रकार से यहाँ के वीर सपूतों ने, चाहे जम्मू के चाहे कश्मीर के किसी भी जिला के, यहाँ के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, हम और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उनको इंस्पायरेशन माने, उनको प्रेरणा माने, और जो अभी कमी त्रुटि है, चाहे विकास के नज़रिए से चाहे किसी और नज़रिए से, उसको हम और आने वाली पीढ़ी इकट्ठे मिलजुल के हम पूरा करें, ये हम उम्मीद रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक वर्कर इस वक्त इस जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, भाईचारे के लिए दिन रात काम कर रहा है, और उसमें हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। जैसा आपने पहले देखा होगा, यहाँ पे जुलाई अगस्त में जब तिरंगा रैलियाँ हुई, हर ज़िला में हुई, हर ब्लॉक लेवल पे हुई, आम लोगों ने सेल्फ मोटिवेशन से तिरंगा रैलियों में भाग लिया, ये साफ साफ संकेत है, ये साफ साफ इंडिकेशन है कि यहाँ का नौजवान, यहाँ का बुजुर्ग, विशेषकर कश्मीर का, भारत की एकता और अखंडता के लिए, कश्मीर के भाईचारे के लिए खुद अपने कंधे पे जिम्मेवारी लेके सामने आया है। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कामयाबी है।